नमस्कार मित्रों, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, लेट अदर्स जॉइन, अंटिल देन वी विल वेट। नमस्कार मित्रों, ब्रह्मभट्ट युवा नवनिर्माण सेना और भारतीय परिवेश योजना द्वारा स्पॉन्सर्ड और श्री मिहिर भाई ब्रह्मभट्ट द्वारा आयोजित फेसबुक वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर तृप्ति बरोट लास्ट 20 ईयर से सच्यर्थम आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी सेंटर सूरत में प्रैक्टिस कर रही हूँ। संतान इच्छित हजारों दंपत्ति मेरे सेंटर से और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से फैमिली कंप्लीट करके गए हैं, उसका मुझे संतोष एवं खुशी है। आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी में अलग अलग डिसीज पर वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में रिसर्च पेपर प्रेजेंट करके हमारी चिकित्सा पद्धति और हमारे देश का गर्व बढ़ाने का सौभाग्य मुझे कई बार प्राप्त हुआ है। आज की हमारी चर्चा का विषय है कोविड-19। कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी दुनिया में अपने पैर जमा लिए हैं और तबाही फैला दी है। ऐसी कंडीशन में अपने देश सहित दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है। सर्वाइवल और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सभी जगहों पे धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। फिर क्या, कोरोना तो खत्म नहीं हुआ है, वो तो सारे विश्व में फैला हुआ है। उसकी कोई सचोट ट्रीटमेंट भी अभी तक नहीं आई हुई है। वैक्सीन बनके आम आदमी के सामने आने में भी समय लग सकता है। हमारी गवर्नमेंट और हमारी फ्रंटलाइन वॉरियर टीम हमारे परिवार और देश को बचाने के लिए संपूर्ण रूप से बेहतरीन कोशिश कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जान भी है और जहान भी है, पर हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। ऐसे समय में हमें हमारे देश को, गवर्नमेंट को और फ्रंटलाइन वॉरियर को संपूर्ण सहयोग देना पड़ेगा। लॉकडाउन है तब तक तो ठीक है, परंतु जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति, मैं तो कहती हूँ मानव जाति के प्रति जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन का संपूर्ण पालन करके साथ साथ कोरोना के खिलाफ आगे की लड़ाई बहुत ही संभल कर लड़नी पड़ेगी। तो मित्रों, आप सभी समझदार हो, आपके परिवार की सेफ्टी आपके हाथों में है। मीडिया के माध्यम से कोविड-19 के बारे में काफ़ी जानकारी आप ले चुके हो, फिर भी लॉकडाउन खुलने के बाद सेल्फ क्वारंटाइन करते रहे, सेफ्टी रूल्स का स्ट्रिक्टली पालन करके अपना काम करें और दूसरों को भी समझाएं। अपनी जीवन शैली को वास्तविक सिचुएशन के हिसाब से पूर्ण रूप से बदल दें। जैसे कि
सोशल डिस्टेंसिंग का सावधानी से पालन करना चाहिए, जितना हो सके घर पे ही रहे, घर से ही काम करे, मास्क के बिना घर से बाहर न निकले, हाथों से नाक मुंह आंख कान आदि फेस को टच न करे, साबुन से फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश कम से कम 20 सेकंड तक करे, जो COVID-19 के लेयर को तोड़ने में बहुत ही सहायक है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते कुछ आसान घरेलू गाइडलाइन देना चाहती हूँ, जो आपको ये महामारी से बचाने में मदद रूप रहेगी। सबसे पहले तो आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतुचर्या का जितना हो सके आप पालन कीजिए। अपनी फूड हैबिट और लाइफस्टाइल को ऋतु के अनुसार चेंज करें, जिसे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। विरुद्ध आहार न लें, मतलब कि दूध के साथ में दही का भोजन, दूध के साथ में फ्रूट, दही के साथ में उड़द आदि विरुद्ध चीजों का एक साथ सेवन न करें। दिन में 3-4 बार हल्दी और नमक डाल के गर्म पानी से गार्गल करते रहे। बार बार गर्म पानी का सेवन करें। केरला में हुए एक नए रिसर्च के हिसाब से बार बार गर्म पानी का सेवन करने से कोरोना के का इन्फेक्शन अगर लगा भी है तो उसमें भी सही से बाहर निकलने में आसानी मिल सकती है, मतलब कि रिकवर हो जाते हैं पेशेंट। दिन में कम से कम 2 बार या तो बाहर से आने के बाद तुरंत अजवाइन डाली गर्म पानी की स्टीम जरूर ले। च्यवनप्राश का सेवन करते रहे। नींबू आमला वगैरह विटामिन सी युक्त चीजों का जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। दिन में 1 बार हल्दी और अजवाइन डाल के उबाला हुआ दूध जरूर पीवे। इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए पौष्टिक आहार विहार पर विशेष ध्यान दें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें। सुबह उठकर सबसे पहले काढ़े का सेवन करें, जिसकी आसान रेसिपी मैं आज बताना चाहती हूँ। रात को पानी में तुलसी हल्दी अदरक सूंठ मरी पीपर तज लविंग फुदीना गड़ो अजवाइन उसमें से जितनी भी चीजें हो वो भिगो दे रात पानी में, और सुबह वो पानी धीमी आंच पर उबाल कर जब पानी आधा हो जाए तो उनको छान लेना चाहिए, और उसके बाद उसमें नींबू और मध या तो गुड़ डाल के गुनगुना पानी सुबह खाली पेट सेवन करें। नियमित योगा और प्राणायाम का अभ्यास करें। योगा और प्राणायाम से स्वस्थ टकाए रखने में बहुत जरूरी है। उसमें ओमकार भ्रामरी भस्त्रिका अनुलोम विलोम वगैरह खूब फायदाकारक रहता है। सुबह की धूप में सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार से उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ विटामिन डी और नेचुरल सैनिटाइजर का भी काम हो जाता है। जब भी आप बाहर जाए और बाहर जाके आए तभी गार्गल स्टीम बाथ वगैरह प्रोटोकॉल को फॉलो जरूर करें, ताकि आपके सैनिटाइजेशन के साथ साथ में आपका फैमिली भी प्रोटेक्ट रहेगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक भी क्लियर हो जाएगा। गाय का घी उसकी 2-2 बूंदे नेजल पैसेज में डालना चाहिए।
उसे आयुर्वेद में नस्य कहते हैं, जिससे नेजल कैविटी में एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है जो आपको डायरेक्ट इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। 1/2 टीस्पून सूंठ को लंच और डिनर के आधे घंटे पहले या लंच और डिनर के तुरंत बाद लेना चाहिए। मोदी जी ने हमारे देश को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा है। उसका बैकबोन हमारी संस्कृति और हमारी चिकित्सा पद्धति है। मानव जाति पिछले कई सालों से ऐसी महामारी का सामना करती आई है और आगे भी मानव जाति के समक्ष ऐसी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। इसलिए ऐसी महामारी में खुद को स्वस्थ रखने के लिए आहार, विहार और औषध पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आहार में पौष्टिक आहार लेना चाहिए, फूड हैबिट अच्छी होनी चाहिए, नियमित रूप से आहार का टाइम फिक्स होना चाहिए, भूख लगने पर खाना खाना चाहिए, गर्म खाना ही खाना चाहिए, घर में पका हुआ ज़्यादा से ज़्यादा भोजन लेना चाहिए और जितना हो सके किचन स्पाइसेस का हमारी दिनचर्या में उपयोग करना चाहिए और उसे हमारी दिनचर्या में विशेष स्थान देना चाहिए। विहार में पर्सनल हाइजीन का अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए, अपनी स्लीपिंग साइकिल को प्रॉपर करना चाहिए, हल्का व्यायाम, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह नियमित रूप से अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। अब बात रही औषधि की, तो औषधि में आयुर्वेदिक मेडिसिन इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए श्रेष्ठ रसायन औषधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसके सेवन से आप स्वस्थ और लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। तदुपरांत आयुर्वेद में ऐसी कई औषधियां हैं जो इन्फेक्शन रोकने में सहायक है और इन्फेक्टेड पेशेंट की रिकवरी में भी मदद रूप है, जो अपनी प्रकृति के अनुसार, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार और डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में बहुत ही यूजफुल हो सकती है। जैसे कि सनसमनी वटी, आरोग्यवर्धिनी, त्रिफला, रसायन, अश्वगंधा, सतावरी, अमृतादि क्वात, पथ्यादि क्वात, दशमूल क्वात, भरंग्यादि क्वात वगैरह वगैरह बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गाइडलाइन के अनुसार बाहर पड़ी है, तो उसका अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में सेवन कर सकते हैं, जिससे हम बीमारी से दूर रह सकते हैं और अगर इन्फेक्शन लगा है तो उससे रिकवरी ले सकते हैं। उनमें से कुछ रसायनों पर मैंने भी स्टडी करके हमने अपना खुद का एक कॉम्बिनेशन भी बनाया है जो इम्यूनिटी बूस्टअप करने में मदद रूप रहेगा और ऐसे इन्फेक्शस डिसीज के सामने प्रोटेक्शन में मदद कर सकता है। अब तक जो चर्चा की उसको फॉलो करेंगे तो आप अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण कर पाएंगे। अब बात आती है मेरे सब्जेक्ट इनफर्टिलिटी की। ऐसे पेशेंट हैं जो प्रेगनेंसी रखना चाहते हैं, या तो जो प्रेग्नेंट है उनके लिए क्या गाइडलाइन है, क्या ऐसी पैंडेमिक कंडीशन में प्रेगनेंसी रखना हितव्य है? प्रेग्नेंट लेडी खुद के और फिटस के स्वास्थ्य के लिए क्या करे जिससे वो स्वस्थ रह सके? जो प्रेगनेंसी रखना चाहता है ऐसे कपल को मेरी एडवाइस है कि एटलीस्ट 3 या 6 महीने पहले से जो मैंने गाइडलाइन दी है आहार विहार और औषध की और गर्भधान संस्कार का काउंसलिंग करके उनको फॉलो करें, फूड हैबिट चेंज करें, लाइफस्टाइल चेंज करें,
प्री कंसीव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, ओवम और स्पर्म हेल्दी एंड स्ट्रांग होंगे, बीज प्योरिफिकेशन से बीज अच्छा होगा तो फल अच्छा आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनहेंस होगी, पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जिससे लिए पंचकर्म भी एक यूजफुल थेरापी है। मतलब कि आयुर्वेदिक सिद्धांत ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज गर्भ संभव फैक्टरों को सही होंगे तो प्रेगनेंसी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, ऐसी लेडी को क्या करना चाहिए? उनको पहले तो घर पे ही रहना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। पौष्टिक आहार विहार के साथ में गर्भ संस्कार को फॉलो करना चाहिए। अपने दिमाग से नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करना चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट देना चाहिए, क्योंकि मदर जो भी आहार विहार और आचरण करती है उसका डायरेक्ट मैक्सिमम प्रभाव फिटस के ऊपर होता है। और मॉडर्न साइंस भी ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, और मॉडर्न साइंस भी कई बार साइंटिफिक वे से ऐसा प्रूव कर चुके हैं। एक बीज में से घटादार वृक्ष बनने में पॉजिटिव एनवायरनमेंट फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वैसे ही फिटस के डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार के साथ साथ गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, माने कि ईच एंड एवरी मंथ वाइज फिटस का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका विस्तृत वर्णन किया है। उनके हिसाब से अच्छी फूड हैबिट, गुड लाइफस्टाइल, आयुर्वेदिक फिटस डेवलपमेंट मेडिसिन्स बताई गई है, जो अच्छे डॉक्टर की गाइडलाइन अनुसार आप फॉलो कर सकते हैं, जिसे आप अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं, जिनसे आने वाला बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से श्रेष्ठ तो होगा ही और सात्विक प्रकृति का भी होगा। कंसीव करने से पहले या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कोई भी क्वेरी या मेडिसिन की आपको ज़रूरत है तो आप मुझे निसंकोच अप्रोच कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी फेसबुक पेज पे है, और मिहिर भाई का भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज मुझे ब्रह्मभट्ट युवा नवनिर्माण सेना की ओर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला है, उसके लिए मैं BYNS की पूरी टीम और खास करके श्री मिहिर भाई ब्रह्मभट्ट का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। साथ साथ में सूरत बृहत युवा ब्रह्मभट्ट ग्रुप की पूरी टीम और श्री नीलकंठ भाई बारोट और बीना जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दिलीप जी, आपने एक क्वेश्चन किया है कि हाउ टू गेट अवर इम्यून पावर इम्प्रूव। जो मैंने आहार विहार और औषध का विवरण किया है तो वो सब चीज़ें इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद रूप है ही। ऊपर से मैंने बताई गई है कि आयुष गाइडलाइन है हमारे गवर्नमेंट की, तो वो उसमें जो मेडिसिन है वो भी कई सारी मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस और ऑब्जर्वेशन के साथ में आप लोगे तो इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव होगी। साथ में मैं अपना खुद का भी एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन डेवलप करने वाली हूँ, तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। जमवामा शू लेवू जोइए,
ખંભાત સમાચારમાંથી મને પૂછવામાં આવ્યું છે. તો આપને જણાવવામાં આવે એ પ્રમાણે કે પહેલાં તો આપણું જમવાનું નિયમિત રહેવું જોઈએ, એનો ટાઈમ નિયમિત રહેવો જોઈએ, વાસી ખોરાક નહીં ખાવો જોઈએ, તાજો અને ફ્રેશ ખોરાક જ લેવો જોઈએ, ફ્રૂટ્સ વેજીટેબલ્સનો ઉપયોગ વધારે કરવો જોઈએ, જેટલા હોઈ શકે એટલા લીંબુ વગેરે વિટામિન સી યુક્ત ભોજન વધારે લો, જેનાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટઅપ થશે અને ઇન્ફેક્શન સામે પ્રોટેક્શન મળશે. જેટલા હોઈ શકે એટલા સ્પ્રાઉટ વધારે લો. પપૈયા અને હમણાં એક નવા રિસર્ચ પ્રમાણે પપૈયા અને તરબૂચના બીજ, એ પણ એમાં ઝીંક આવે છે, એ પણ ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર તરીકે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. એક એપલ ડેઇલી ખાવું જોઈએ, જેનાથી આયરન મળશે અને તમારી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટઅપ થશે. એન એપલ એ ડે કીપ્સ ધ ડોક્ટર અવે. બીજું લીંબુ લેવું જોઈએ. બીજું ગરમ અને તાજો ખોરાક ખાવો જોઈએ. ડેઇલી તમે જે પણ શિડ્યુલમાં ખાતા હો એ દાળ ભાત શાક રોટલી તમારો ડેઇલી ખોરાક તમે ખાઓ. બહારના જંક ફૂડ વગેરેને એવોઇડ કરો, ચાઇનીઝ ફૂડ એવોઇડ કરો, ફર્મેન્ટેશનવાળા ફૂડને ઓછા ખાઓ. આ બધું વસ્તુ કરવી જોઈએ. બીજું માનસિક તણાવ માટે તમે કીધું કે આયુર્વેદમાં શું ઉપાય છે. માનસિક તણાવ માટે આયુર્વેદમાં ઘણી બધી શ્રેષ્ઠ ઔષધિઓ બતાવી છે. કોઈ પણ આયુર્વેદિક ડૉક્ટરની એડવાઇઝને ઓબ્ઝર્વેશનની સાથે તમારે બ્રાહ્મી વગેરે મેડિસિનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, એકોર્ડિંગ ટુ આયુર્વેદિક ડૉક્ટર એડવાઇઝ. એની સાથે સાથે તમે અખરોટનો સેવન વધારે ખાઓ. બદામ અને અખરોટ એ બ્રેઇન ટોનિક કહી છે આયુર્વેદમાં. સાથે સાથે તમે મેડિટેશન, ધ્યાન, યોગા, પ્રાણાયામ એ જેટલું કરશો એટલું તમને ડિપ્રેશનમાં અગર તો માનસિક તાણમાંથી મુક્તિ મળશે અને એ ઘણું યુઝફુલ થશે. વોટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ શુડ બી એડેડ વાઇલ ટેકિંગ સ્ટીમ? ઓકે, જબ ભી આપકો સ્ટીમ લેની હૈ પ્લેન ભી લે સકતે હો, પર અગર ઉસમે આપ અજવાઇન ડાલોગે યા તો ફિર આપ ઉસમે નીલગિરી કે તેલ કી એક દો બુંદે ડાલોગે યા ફિર વિક્સ થોડા સા વિક્સ અંદર ડાલ દોગે તો નેઝલ રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ક્લિયર હો જાયેગા ઓર આપકી નેઝલ કેવિટી ક્લિયર હો જાયેગી. ઓર દૂસરા ઉસકા બેનિફિટ હૈ સ્ટીમ કા કે અગર કોઈ ઇન્ફેક્શન ચલા ભી ગયા હૈ તો ઉસકી સ્ટીમ કી ગરમી કી વજહ સે વો કિલ હોને કા ચાન્સીસ રહેતા હૈ. સોરી સર, બ્લડ પ્રેશર ઓર ડાયાબિટીસ દૂર કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો એના માટે આયુર્વેદમાં ઘણી બધી ગાઈડલાઈન આપી છે. તો એના માટે આપણે એના જે વિશિષ્ટ ડૉક્ટર હોય, એના સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય એનો આપણે કોન્ટેક કરી શકીએ. છતાં પણ અમુક જે નોર્મલ હોય છે મેડિટેશન ને એ બધું યુઝફુલ થશે, પણ એની મેડિસિન માટે આપણે સ્પેસિફિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક સાધી શકશું. એની ક્વેશ્ચન? ઓકે, હમારી પ્રાચીન આયુર્વેદ ચિકિત્સા પદ્ધતિ કો પૂરી દુનિયા મેં પ્રસિદ્ધ કરકે અવગત કરાના હૈ. સ્વસ્થ્ય સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ આતુરસ્ય રોગ પ્રસમનમ ચ કે ઉદ્દેશ્ય કે સાથ વન્સ અગેઇન થેન્ક યુ સો મચ. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. જય ધન્વંતરી, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. થેન્ક યુ.